हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस स्टडी। आज है 24 मई 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे 24 मई का द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियोज़ के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आज के लिए सबसे पहले कल के पूछे गए क्वेश्चन देख लेते हैं। कल का क्वेश्चन था, सगौली ट्रीटी जो 1816 में साइन की गई थी ब्रिटिश इंडिया और किंगडम ऑफ नेपाल के बीच, ये किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के टेन्यूर में साइन की गई थी। ऑप्शंस थे ए वॉरन हेस्टिंग, बी लॉर्ड हेस्टिंग, सी विलियम बेंथिक और डी लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही आंसर है बी लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग के गवर्नर जनरलशिप के दौरान ही सगौली ट्रीटी 1816 में साइन की गई थी। तो अब स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ है। आज की पहली न्यूज़ है, नो लेटअप इन टेंशन अलोंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद चाइना। तो इंडिया और चाइना के बीच जो बॉर्डर डिस्प्यूट पे काफ़ी ज़्यादा रिसेंट टाइम में कंट्रोवर्सी हुई है, और इंडिया और चाइना के जो ट्रूप्स के द्वारा जो एक दूसरे के साथ फेस ऑफ किया गया और जो थोड़ी बहुत हाथापाई भी हुई है, ये लद्दाख और सिक्किम में पिछले कुछ दिनों में देखी गई है। पहला जो इवेंट था ये लद्दाख में सोंगपो, जो साउथ लद्दाख के एरिया में पड़ता है, वहाँ पर हुआ था। उसके बाद ये नाकुला पास सिक्किम में भी देखा गया। तो आर्मी जनरल मनोज नरवाने के द्वारा लेह की ये पोस्ट विजिट की गई, जहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच फेस ऑफ की कंडीशन बनी थी, और जो भी सिचुएशन है उसको आर्मी चीफ के द्वारा विजिट किया गया। अब यहाँ पर दो जो लोकेशन है ये इम्पोर्टेंट है, एक तो पेगोंग सो लेक है जो बिल्कुल इनवर्ड ड्रेनेज की लेक है लद्दाख में, और लद्दाख में इसके अलावा भी दो लोकेशंस हैं जहां पर फेस ऑफ हुआ है इंडिया और चाइना की आर्मी के बीच। ये दो लोकेशंस हैं गैलवान नाला या गैलवान वैली और ढेनचोंग। तो तीन लोकेशन लद्दाख में हो गई, पेंगोंग सो लेक, गैलवान वैली और ढेनचोंग, और नाकुला पास नॉर्थ सिक्किम में वो लोकेशन है जहाँ पर अभी रिसेंट टाइम में फेस ऑफ देखने को मिला है। यहाँ पर थोड़ी सी न्यूज़ पेज नंबर 6 पर भी है, तो हम साथ में ही वाली न्यूज़ भी देख लेते हैं। यहाँ पर आर्मी के द्वारा ये बताया गया है कि इस पर्टिकुलर फेस ऑफ का जो बड़ा कंसर्न है वो ये है कि ये जो पूरा एरिया है वो दौलत बेग ओल्डी जो कॉरिडोर है इंडियन आर्मी के द्वारा यूज़ किया जाता है अपनी सेना को तैनात करने के लिए, उस कॉरिडोर के बहुत ज़्यादा पास है। यानी कि इंडिया का जो चैनल है जो जिसके थ्रू जो आर्मी के जवान भेजे जाते हैं बॉर्डर पे, उस पर्टिकुलर रूट के बहुत ही क्लोज है जहाँ पर फेस ऑफ देखने को मिला। ये जो रूट है ये करीब 250 किलोमीटर का रूट है, जिसको बोलते हैं दारबुक सयोग दौलत बेग ओल्डी रोड। तो ये पर्टिकुलर रोड का नाम है दारबुक सयोग दौलत बेग ओल्डी रोड। इसके अलावा जो भी पॉइंट्स हैं जहां पर फेस ऑफ देखने को मिला था, वहां पर उन सारे पॉइंट्स पे चाइनीज ट्रूप्स ने एक तरह से अपना स्टेशन बना दिया है, वहां पर अपने टेंट गाड़ दिए हैं और जो बंकर्स हैं वो बना लिए हैं, जिसके कारण ये जो सिचुएशन है पिछले कुछ दिनों में बढ़ती हुई दिखी है, कम होने का नाम नहीं ले रही। और दूसरी तरफ जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसने किसी तरह का कमेंट करने से भी अभी फ़िलहाल के टाइम मना कर दिया है। तो ये सिचुएशन है काफ़ी बढ़ गई है, और नॉर्मली जब फेस ऑफ होता है तो नॉर्मली ये लोकल लेवल पर सुलझा लिया जाता है, लेकिन इस बार का फेस ऑफ थोड़ा सा डिफरेंट है। पहला जो डिफरेंस है वो तो ये है कि जो भी PLA है आर्मी है चाइना की, उसके द्वारा परमानेंट अपने स्टेशन बना लिए गए उन फेस ऑफ की लोकेशंस पे। दूसरा ये लगातार एक लोकल लेवल पे इसकी सॉल्व करने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम होती चली जा रही है। ये बहुत ही ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट माना जा रहा है चाइना की आर्मी के द्वारा, और लगातार ये फेस ऑफ बढ़ता जा रहा है। यानी कि ये कम लोकल लेवल पर कम होने की जो गुंजाइश मानी जा रही थी वो देखने को नहीं मिल रहा। ऐसा माना जा रहा है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लेवल पे ही किया जाना चाहिए, बिकॉज ये सारे फेस ऑफ एक के बाद एक लगातार होते चले गए। ये एकदम से आइसोलेटेड इवेंट मान के हम नहीं इसको सॉल्व कर सकते, और ये सॉल्व भी नहीं हो पा रहा, तो इसलिए एक डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लेवल पे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। अगर हम ये लोकेशंस को देखें इनकी जहाँ जहाँ पर ये जो फेस ऑफ हुआ, पहला जो फेस ऑफ हुआ था वो है पेंगोंग सो लेक साउथ लद्दाख में, और दूसरा फेस ऑफ हुआ था नाकुला सेक्टर नाकुला पास जो नॉर्थ सिक्किम में है, इन दो लोकेशंस पे। अगर इंडिया और चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट की हम बात करें तो बॉर्डर डिस्प्यूट
पर्टिकुलरली तीन सेक्टर में डिवाइड किए गए हैं, एक है वेस्टर्न सेक्टर, एक है ईस्टर्न सेक्टर और एक सेंट्रल सेक्टर। तो वेस्टर्न सेक्टर की अगर हम बात करें तो जो अक्साई चिन का एरिया है, जो लद्दाख का नॉर्थ वेस्ट का एरिया है, नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, तो वो ऑलरेडी चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है 1962 वॉर के दौरान। उसके बाद अगर हम सेंट्रल सेक्टर में जाएँ तो कुछ लोकेशंस हैं जहाँ पर डिस्प्यूट की पॉसिबिलिटी बनी हुई है, जो वो लोकेशन नॉर्मली उत्तराखंड और चाइना के बॉर्डर के अलोंग माने जाते हैं, जो सेंट्रल सेक्टर का पार्ट है। इसके अलावा अगर हम ईस्टर्न साइड जाएंगे तो ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश का एरिया डिस्प्यूटेड एरिया माना जाता है। चाइना का मानना है कि अरुणाचल प्रदेश चाइना के तिब्बत का पार्ट है, लेकिन मैकमोहन लाइन जो ईस्टर्न सेक्टर में इंडिया और चाइना की बाउंड्री बनाती है, इसके अकॉर्डिंग पूरा कंप्लीट अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट है। तो जो मेजर बॉर्डर डिस्प्यूट है वो काफ़ी बॉर्डर्स के एरिया के अन आइडेंटिफिकेशन के कारण है। काफ़ी ज़्यादा इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है वो पहाड़ों से या फिर रिवर्स से होकर जाता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न बना रहता है। तो ईस्टर्न सेक्टर वेस्टर्न सेक्टर का जो कन्फ्यूज़न है वो उसका काफ़ी बड़ा कारण है कि जो नेचुरल बाउंड्री है उनमें आइडेंटिफिकेशन बॉर्डर का बहुत ही क्लियर नहीं है, बहुत ही क्लियर डिमार्केशन बॉर्डर का नहीं है। तो ये हमने देख लिया इंडिया और चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट के रिगार्डिंग। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। आज की दूसरी न्यूज़ है जो मेन पेज पे है, उसमें हाईएस्ट सिंगल डे जंप इन कोविड-19 केसेस, 6,724 केसेस कल 24 घंटे में बढ़े हैं कोविड-19 के। ये जो नंबर ऑफ केसेस हैं ये हर एक दिन बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर ग्राफ भी दिखाया गया है किस तरह से एक दिन में जो केसेस की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अगर हम मई की शुरुआत से बात करें, 1 मई से 23 मई तक, तो 23 मई यानी कि कल के दिन तक सबसे ज़्यादा केसेस सिंगल डे में बढ़े हैं 6,724। अब इसके साथ ही इंडिया का जो डेटा टोटल हो गया है कोविड-19 के केसेस का, वो है 1,31,310। तो 1,30,000 से ज़्यादा केसेस इंडिया में आज की डेट में हैं, जिसमें से नंबर ऑफ डेथ पर्सन जो है वो 3,868 हैं और टोटल रिकवरीज 54,374 के करीब हो गई हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ जो इन्फेक्शन है इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ा है मई महीने में। जैसे ही लॉकडाउन थोड़ा सा ईज आउट हुआ उसके बाद जो इन्फेक्शन है वो काफ़ी तेज बढ़ा है। इसके अलावा जो डबलिंग टाइम है इंडिया का वो काफ़ी कम देखा गया है। डबलिंग टाइम आज की समय 13 दिन के करीब है, 13 दिन में जो केसेज हैं वो डबल हो जा रहे हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है पेज नंबर 3 पे, एनजीटी सीक्स रिपोर्ट ओवर प्ली ऑन इलीगल फैक्ट्रीज़। एनजीटी ने दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी से एक जवाब मांगा है रिगार्डिंग इलीगल फैक्ट्रीज़ रनिंग इन दिल्ली। तो दिल्ली में जो इलीगल डाइंग फैक्ट्रीज रन कर रही हैं, चल रही हैं और जो बड़े लेवल पर पॉल्यूशन को इंक्रीज़ कर रही हैं, उसके बारे में दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी से एक रिपोर्ट मांगी गई है एनजीटी के द्वारा। तो यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एनजीटी, एनजीटी को एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं हम। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 के थ्रू बनाया गया था, जो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया एक्ट था। इसके द्वारा एक ऐसा ट्राइब्यूनल बनाने की कोशिश की गई थी जो एनवायरमेंटल रिलेटेड जो केसेस हैं उनको जल्दी से जल्दी सुने और जल्दी उनका निपटारा कर सके। 6 महीने के अंदर अंदर जो भी एनवायरमेंट रिलेटेड केसेस होते हैं उनको क्लियर किया जाता है एनजीटी के द्वारा। तो ये एक स्पेशल ट्राइब्यूनल है जो एनवायरमेंट रिलेटेड इशूज़ को के अर्ली डिस्पोजल के लिए काम करता है। इसका जो इंस्पिरेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 21 से लिया गया है। आर्टिकल 21 क्या कहता है, ये कहता है कि किसी भी पर्सन को प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का राइट है और एनवायरमेंट भी एक प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ के अंतर्गत ही आता है। तो आर्टिकल 21 से अपनी पावर लेता है एनजीटी, जो एश्योर करता है सिटीजन ऑफ इंडिया को राइट ऑफ हेल्दी एनवायरमेंट। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी एनजीटी के अंदर ही दिल्ली के पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का काम करता है। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का जो एक्ट है ये एक इफेक्टिव और एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस करता है जो एनवायरमेंट रिलेटेड केसेस होते हैं। एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के रिगार्डिंग जो भी काम होते हैं वो एनजीटी के द्वारा ही देखे जाते हैं और जो भी नेचुरल रिसोर्स से रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनके केसेस भी एनजीटी में ही सुनवाई किए जाते हैं। एनजीटी इनके साथ ही साथ जो एनवायरमेंट रिलेटेड वर्क और प्रोजेक्ट में रिलीफ और कंपनसेशन का काम होता है, या किसी प्रोजेक्ट के कारण जो डैमेज हो जाते हैं किसी पर्सन को अगर कंपनसेशन देना होता है, तो ये सारी जो इशूज़ हैं मुद्दे हैं ये एनजीटी के द्वारा देखे जाते हैं। इसीलिए ये एक डेडिकेटेड मैकेनिज़म है फॉर एनवायरमेंट रिलेटेड केसेस और इसकी जो प्रोसेस है वो नॉर्मल
कोर्ट की प्रोसेस से डिफरेंट रहती है। ये नॉर्मली कोड ऑफ सिविल प्रोसेस है 1908 के अकॉर्डिंग अपनी कार्रवाई नहीं करता, ये नेचुरल जस्टिस के बेसिस पे अपने अपनी ये जो कोर्ट की है वो कार्रवाई करता है। तो नेचुरल जस्टिस के बेसिस पे एनजीटी की प्रोसेस की जाती है और 6 महीने के टाइम के अंदर अंदर जो भी एनवायरमेंट रिलेटेड केसेस होते हैं उनको क्लियर करने की कोशिश एनजीटी के द्वारा की जाती है। इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो है नई दिल्ली में, इसके अलावा भी कुछ शहरों में इसके सिटिंग्स होती हैं जैसे कि भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। नेक्स्ट न्यूज़ है, मोर एरिया अंडर कॉटन क्रॉप दिस सीज़न। इस सीज़न में पंजाब और हरियाणा के जो भी एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं उनमें नॉर्मली पैडी उगाई जाती थी, बट अभी कोविड-19 के कारण जो माइग्रेंट लेबर्स वापस अपने अपने घर चले गए हैं और पंजाब और हरियाणा में एक बहुत बड़े लेवल पे माइग्रेंट लेबर्स की हेल्प लेके प्लांटेशन का काम और जो क्रॉपिंग का काम है वो किया जाता था, बट इस बार चूंकि ये जो लेबर्स हैं इनकी शॉर्टेज है तो इस कारण से, पहले भी हमने पढ़ा था कि जो धान लगाने की प्रोसेस होती है उसको थोड़ा सा चेंज किया गया, अब बहुत ज़्यादा वाटर इंटेंसिव तरीके से जो ट्रेडिशनल तरीका है और राइस लगाने का उसकी जगह कम पानी का यूज़ करके डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है कई फार्मर्स के द्वारा, कई क्रॉप्स को की सोइंग के लिए। इसके साथ ही साथ बाकी एरिया में जो जो फार्मर्स हैं वो अगर अवॉइड कर सकते हैं राइस की खेती को तो वो अवॉइड करके कॉपर की तरफ स्विच कर रहे हैं, यानी कि फार्मर्स के द्वारा प्रिफर किया जा रहा है कि अगर राइस लगाना है तो डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस मेथड का यूज़ किया जाए जिसमें वाटर भी कम इंटेंसिव यूज़ होता है और दूसरा लेबर भी बहुत कम लगती है और डायरेक्टली सीडिंग ऑफ राइस पॉसिबल होती है, या फिर अगर राइस नहीं बो पा रहे ऐसे किसान तो वो कॉटन उगाने लगे। और जो पंजाब और हरियाणा की गवर्नमेंट है वो भी कॉटन के प्लांटेशन को और ज़्यादा इम्फेसिस दे रही हैं और राइस के की जो खेती होती है उसको डिस्करेज किया जा रहा है दोनों सरकारों के द्वारा, दोनों स्टेट की जो गवर्नमेंट है पंजाब हरियाणा की उनके द्वारा भी। तो फार्मर्स इन पंजाब एंड हरियाणा हैव सोन मोर कॉटन दिस खरीफ एज अगेंस्ट कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड लास्ट ईयर ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ लेबर। तो यहाँ पर कॉटन की जो खेती होती है ये नॉर्मली लेस लेबर इंटेंसिव है, वाटर तो बहुत ही कम लगता है क्योंकि कॉटन मेनली सेमी एरिड एरिया की क्रॉप है और इसको पानी की बहुत ही कम ज़रूरत होती है और कम लेबर के साथ इसको लगाया जा सकता है। पंजाब और हरियाणा एरिया की अगर हम बात करें तो 95% जो कॉटन है वो बीटी कॉटन उगाई जाती है इस एरिया में। तो पंजाब हरियाणा की जो कॉटन है वो नॉर्मली बीटी कॉटन ही उगाई जाती है, 95% कॉटन बीटी कॉटन होती है, इसके अलावा केवल 5% कॉटन ही ट्रेडिशनल या देसी कॉटन मानी जाती है। तो 95% मेनली पंजाब हरियाणा में बीटी कॉटन उगाई जाती है। अब बीटी कॉटन क्या होता है, बीटी कॉटन के बारे में हम देख लेते हैं पहले। बीटी कॉटन एक जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन की वेराइटी है। बीटी कॉटन इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड पेस्ट रेजिस्टेंस कॉटन प्लांट की वेराइटी है जो कि इंसेक्टिसाइड प्रोड्यूस करती है ये वेराइटी टू कॉम्बेट बॉलवॉर्म। कॉटन में बॉलवॉर्म का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है और अगर कॉटन की फसल में बॉलवॉर्म हो जाए तो ये बड़े लेवल पर कॉटन की क्रॉप को बर्बाद कर देता है। तो उस बॉलवॉर्म को कॉम्बेट करने के लिए बीटी कॉटन की वेराइटी साइंटिफिकली बनाई गई है, डेवलप की गई है और इसमें बीटी का मतलब है, बीटी स्टैंड्स फॉर बेसिलस थुरैनजेनेसिस। ये एक सॉइल का बैक्टीरिया होता है, इट इज़ अ सॉइल बैक्टीरियम जिसमें एक टॉक्सिक जीन होता है जिसे बीटी जीन कहते हैं और इस सॉइल बैक्टीरिया के जीन को इंसर्ट करने के बाद कॉटन क्रॉप में एक तरह का इंसेक्टिसाइल प्रोटीन क्रिएट हो जाता है जो टॉक्सिक होता है बॉलवॉर्म के। तो बीटी कॉटन के डेवलपमेंट के बाद कॉटन क्रॉप रेजिस्टेंट मानी जाती है बॉलवॉर्म के, इसलिए बीटी कॉटन काफ़ी बड़े लेवल पे महाराष्ट्र, गुजरात में भी लगाई जाती है और पंजाब हरियाणा में तो 95% जो कॉटन है वो बीटी कॉटन ही उगाई जाती है। तो यहाँ पर ये बीटी कॉटन एक बड़े लेवल पर उगाई जाने वाली है इस सीज़न में, खरीफ सीज़न में पंजाब और हरियाणा में। नेक्स्ट न्यूज़ है, डिटेल्स ऑफ 2.9 करोड़ जॉब सीकर्स ऑन डार्क नेट। तो ये एक अनदर लीक्ड डेटा का एक एग्जांपल है, लीक डेटा मेंशन टू पॉपुलर जॉब साइट्स। दो पॉपुलर जॉब साइट्स का जो डेटा है, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जॉब सीकर्स के, वो डार्क नेट पे मिले हैं अभी और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा जो साइबर क्राइम से रिलेटेड एक्टिविटी के लिए एक बड़े लेवल पे डेटा की अवेलेबिलिटी डार्कनेट पे है इसको बताता है।
तो यहाँ पर बताया गया है कि 2.9 करोड़ जॉब सीकर्स का जो डेटा है वो लीक हो गया है दो जॉब की साइट से, और ये जो जॉब की साइट से जिनसे डेटा लीक हुआ है ये साइट्स हैं Naukri.com और टाइम्स जॉब्स। तो ये जॉब पोर्टल है जिनके द्वारा ये डेटा लीक देखा गया है, और इस पर्टिकुलर न्यूज़ को अनकवर किया गया एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जिसका नाम है साइबल। साइबल US बेस्ड एक कंपनी है जिनके द्वारा ये बताया गया। इसमें क्या क्या डेटा लीक हुआ है, इन कैंडिडेट्स का जो जॉब ढूंढ रहे थे इनका पर्सनल नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल, जो भी पर्सनल डिटेल्स हैं वो मेनली मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे और बेंगलोर सिटीज़ के जितने लोग हैं जो जॉब ढूंढ रहे हैं उन लोगों का डेटा डार्क नेट पे पाया गया। अब ये डार्क नेट क्या होता है तो पहले हम देख लेते हैं डार्क नेट के बारे में। डार्क नेट किसे बोलते हैं? डार्क नेट इंटरनेट का एक पार्ट है, एक नेटवर्क है जो इंटरनेट के अंदर ही एक तरह का नेटवर्क होता है जिसको एक्सेस करने के लिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर और स्पेसिफिक वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। ये ऑफन यूनिक कस्टमाइज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के थ्रू चलता है। मतलब कि एक तरह से हम मान सकते हैं कि डार्क नेट जो है वो इंटरनेट के अंदर ही है और वो यूनिक तरह के एक वेब ब्राउज़र और सॉफ्टवेयर के थ्रू ही एक्सेस किया जा सकता है। अब डार्क नेट का यूज़ क्या होता है? डार्क नेट इज़ मोस्ट ऑफन यूज फॉर इलीगल एक्टिविटीज़। जो जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं और जो लोग इलीगल एक्टिविटी करने वाले होते हैं वो ज़्यादातर डार्क नेट को प्रिफर करते हैं इलीगल एक्टिविटी करने के लिए बजाय कि इंटरनेट, बिकॉज डार्क नेट पे जो है किसी भी ट्रांजेक्शन को ट्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब ये जो इलीगल एक्टिविटी है इनमें जैसे कि ब्लैक मार्केटिंग होती है, या फिर इलीगल फाइल को शेयर करना होता है, या फिर इलीगल गुड्स और सर्विसेज में कोई खरीद फरोख्त की जाती है, इलीगल ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं, या इलीगल डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें डार्क नेट पे बहुत ही ज़्यादा खरीदी और बेची जा सकती जाती हैं। और यहाँ पर जो भी एनोनिमिटी के साथ ट्रांजेक्शन करना चाहता है, यानी कि कोई पर्सन अगर चाहता है कि उसकी उसके बारे में किसी को पता ना लगे और वो एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन कर दे, तो वो डार्क नेट ऐसे एक्टिविटीज़ करने के लिए लोगों ज़्यादातर जो इलीगल एक्टिविटीज़ करने वाले लोग हैं उनके द्वारा प्रेफर किया जाता है। तो एनोनिमिटी ऑफ आइडेंटिटी ये इसका एक पॉइंट है डार्क नेट का। इसके अलावा जो ड्रग डीलर्स होते हैं, जो हैकर्स होते हैं, या जो पोर्नोग्राफिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करते हैं, तो ऐसे लोगों के द्वारा डार्क नेट बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है। अब डार्क नेट एक तरह का इनक्रिप्टेड वेब ब्राउज़र के द्वारा डार्क नेट को यूज़ किया जाता है। नॉर्मली जो डार्क नेट को यूज़ किया जाने वाला वेब ब्राउज़र है उसका नाम है टॉर, जो US गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। US गवर्नमेंट ने एक वेब ब्राउज़र बनाया है टॉर, जिसका यूज़ करके डार्क नेट को यूज़ किया जा सकता है। तो ये टॉर जो है ये पर्टिकुलर एक इनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर है, इनक्रिप्टेड वेब ब्राउज़र है, जैसे कि गूगल ब्राउज़र हो गया या फिर मोजिला ब्राउज़र हो गया, उसी तरह टॉर एक वेब ब्राउज़र है और इसके थ्रू डार्क नेट को एक्सेस किया जाता है। US गवर्नमेंट ने ये सारी एक्टिविटीज़ को देखने समझने के लिए ये जो वेब ब्राउज़र बनाए। तो डार्क नेट के बारे में जब भी आए तो हमें इतना मालूम होना चाहिए कि डार्क नेट एक तरह का सीक्रेट इंटरनेट का एक पार्ट है जहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादातर की जाती हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग और टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो लोग ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो ज़्यादातर डार्क नेट पर ट्रांजेक्शन करते हैं। तो डार्कनेट पे ये जो जैब जॉब सीकर्स का डेटा मिला है ये एक बड़ा चिंता का कारण हो सकता है, बिकॉज लोगों की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उनके नाम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर और इवन उनकी जो जो भी एड्रेस डिटेल्स हैं वो सारे रेज्यूमे में होते हैं, और अगर ये उन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वाले ग्रुप्स के हाथ में पड़ जाए तो एक बड़े लेवल पर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा डार्कनेट के बारे में। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ है वर्ल्ड पेज पे, लैटिन अमेरिका इज़ न्यू एपी सेंटर। WHO के द्वारा ये बोला गया है कि लैटिन अमेरिका अब एक बड़ा एपी सेंटर बन रहा है कोरोना वायरस का। अभी तक यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, मेनली USA एपी सेंटर बना हुआ था, लेकिन अब यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में जो कोरोना वायरस के केसेज हैं वो स्टेबलाइज होते हुए दिख रहे हैं और काफ़ी कंट्रीज़ में कम होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन लैटिन अमेरिका में कुछ कंट्रीज़ में ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जैसे कि अगर हम ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में टोटल नंबर ऑफ़ केसेस हैं 330,000, जिसमें से 21,000 लोग मर चुके हैं। तो ब्राज़ील एक बड़े लेवल पे कोरोना हिट कंट्री माना जा रहा है। ब्राज़ील के अलावा पेरू में भी काफ़ी बड़े लेवल पे जो कोरोना वायरस के केसेज हैं वो बढ़े हैं पिछले कुछ दिनों में। पेरू वॉज ऑल्सो स्ट्रगलिंग विथ एन इंटेंस आउटब्रेक, द कंट्री ऑफ 32 मिलियन हैविंग रजिस्टर्ड मोर देन 1,10,000 केसेस। तो 1 लाख से ज़्यादा केसेज हैं और 3,000 से ज़्यादा डेथ पेरू में भी देखी गई हैं।
और उसके बाद जो अमेरिकन कंट्रीज़ के द्वारा, स्पेशली यूएसए के द्वारा, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत तेज़ी से खोली जा रही है, यूरोपियन कंट्रीज़ भी ढील दे रही हैं लॉकडाउन में, तो उसके बाद डब्ल्यूएचओ ने फिर से ये रिपीट किया है कि एकदम से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को शुरू करना एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर एक ड्रग के बारे में बताया गया है, एंटीवायरल ड्रग इज़ इफेक्टिव। एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो एंटीवायरल ड्रग है रेमडेसिविर, ये कोरोना वायरस के केस में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव देखने को मिली है स्टडी और ट्रायल के बाद, ये बताया गया है। तो ये जो रेमडेसिविर पर्टिकुलर ड्रग है, ये इबोला के लिए यूज़ की जा रही थी, इबोला की ड्रग इसको माना जाता है। ये एंटीवायरल ड्रग है और कोरोना के केस में काफ़ी पॉजिटिव सिम्टम्स इस ड्रग को लेने वाले पेशेंट्स में देखा गया। तो ये ड्रग भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है कि किस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए यूज़ की जाती थी ये ड्रग। रेमडेसिविर इबोला के लिए यूज़ की जानी थी, और अभी कोरोना वायरस के केसेस में भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है रेमडेसिविर ड्रग का। सेकेंड न्यूज़ है, चाइना सजेस्ट शिफ्ट इन BRI अप्रोच एमिड डेट कंसर्न। अब चाइना ने अपने BRI इनिशिएटिव, जिसको बोलते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, में काफ़ी सारी कंट्रीज़ को कनेक्ट करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मैसिव प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, उन कंट्रीज़ में अभी डेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखी गई है, और वो चाइना को डेट का इंटरेस्ट भी पे नहीं कर पा रही है। तो इस समय इन सारी चीज़ों को देखकर चाइना ने अपने BRI के जो प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस किए हैं। अब चाइना का कहना है कि उसके द्वारा क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा फोकस दिया जाएगा, और जो डेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं कंट्रीज़ को, उनको साथ में मिलकर दोनों के बेनिफिट के लिए यूज़ किया जाएगा और सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो ये पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट है जिसमें इसकी बात की गई है, ये चाइना की पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया, और चाइना के जो प्रीमियर हैं ली किंग, उनके द्वारा पार्लियामेंट में ऐसा बोला गया। 2018 से BRI हैज़ ए डेडिकेटेड सब सेक्शन इन NPC रिपोर्ट। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा जो पार्लियामेंट में रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है, 2018 से वो लगातार BRI प्रोजेक्ट के बारे में एक सब सेक्शन अपने रिपोर्ट में देते आ रहे हैं। तो चाइना ने कोशिश की है कि ये जो BRI का प्रोजेक्ट है वो उनका रुके नहीं, और जो कंट्रीज़ जिन कंट्रीज़ में प्रॉब्लम हो रही है उनको थोड़ा ऑल लोन देकर इस प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ाया जाए। यहाँ पर BRI का जो प्रोजेक्ट है चाइना का, वो दिखाया गया है चाइनीज़ सिटी से, ये एक लैंड रूट और दूसरा सिल्क रूट, दोनों को सिल्क रूट माना जा रहा है, एक को लैंड सिल्क रूट और दूसरे को मैरीटाइम सिल्क रूट कहा जाता है चाइना के द्वारा। ये जो लैंड का रूट है वो इस तरह से चाइना के द्वारा लैंड के थ्रू मॉस्को तक पहुंचाया गया है, और अगर हम सी रूट की बात करें तो सी रूट में काफ़ी ज़्यादा पॉइंट चाइना के द्वारा बनाए गए, चाइना के कोस्टल एरिया से ये श्रीलंका और अफ्रीका के यूनियन सूस कैनल से होता हुआ यूरोपियन कंट्रीज़ तक जाता है। तो इन दो रूट्स के थ्रू चाइना ने यूरोप तक की जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ाने की कोशिश की। तो ये दोनों रूट आते हैं चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत, लैंड सिल्क रूट और मैरीटाइम सिल्क रूट। Phase 1 ट्रायल अडीनो वायरस COVID-19 वैक्सीन फाउंड सेफ इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। अडीनो वायरस वैक्सीन का जो ट्रायल COVID-19 के लिए किया जा रहा है वो Phase 1 का ट्रायल अभी सक्सेसफुल माना गया है। Phase 1 ट्रायल यूजिंग ए सिंगल डोज ऑफ वैक्सीन वॉज फाउंड टू बी सेफ वेल टॉलरेटेड एंड एबल टू जनरेट इम्यून रिस्पॉन्सेज अगेंस्ट नोवल कोरोना वायरस। तो Phase 1 के ट्रायल में ऐसा देखा गया है कि सिंगल डोज वैक्सीन का अगर ये डोज दिया जाए पेशेंट को, COVID-19 से इन्फेक्टेड पेशेंट को, तो ये सेफ देखा गया है, वेल टॉलरेटेड है, और इम्यून रिस्पॉन्स पॉजिटिव मिला है इसका। ये जो वैक्सीन है इसको इसका जो टेक्निकल नाम है वो है AD5-nCoV, AD5-nCoV नोवल कोरोना वायरस। वैक्सीन यूजेज ए रिकॉम्बिनेंट अडीनोवायरस Type 5 वेक्टर दैट कैरीज द जेनेटिक मटेरियल दैट कोड्स फॉर स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ द वायरस। तो ये जो अडीनो वायरस है ये Type 5 का वायरस है। तो पहली चीज़ हो गई, ये Type 5 का वायरस है, और ये इसमें ऐसा जेनेटिक मटेरियल है जो COVID-19 के वायरस में ग्लाइकोप्रोटीन को स्पाइक कर देता है। ये अडीनो वायरस क्या है? अडीनो वायरस वीक फॉर्म ऑफ कॉमन कोल्ड वायरस है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाएगी अडीनो वायरस किस तरह का वायरस है, तो ये एक नॉर्मल कॉमन कोल्ड वायरस है जो अपनी वीक फॉर्म में होता है। इसलिए ये पर्टिकुलर यहाँ पर जो दिया गया ये इंपॉर्टेंट है, अडीनो वायरस इज़ ए वीकेंड कॉमन कोल्ड वायरस, और इसका यूज़ करके एक डोज बनाई जा रही है, जिसके पहले ट्रायल में ये जो डोज है
अगर सिंगल मात्रा में दी जाए, सिंगल डोज दी जाए, तो ये इफ़ेक्टिव देखी गई है AD5N कोरोना वायरस। ये जो पर्टिकुलर टेस्ट है ये वुहान चाइना में किया जा रहा है और अलग अलग डोजेज दी जा रही है अलग अलग एज ग्रुप को। उसके बाद ये ट्रायल किया गया है जो जिसका रिज़ल्ट अभी लैंसेंट जो पब्लिकेशन है यूनाइटेड किंगडम का, उसमें देखा गया है। अब फेज़ टू का ट्रायल शुरू किया जाना है और उसके बाद अगर फेज़ टू के ट्रायल में सक्सेस मिलती है तो इस एडिनो वायरस का यूज़ किया जा सकता है COVID-19 के जो केसेस हैं उनको रोकने के लिए। तो COVID-19 के लिए काफ़ी सारे वैक्सीन्स के डेवलपमेंट अलग अलग ट्रायल के फेज़ में हैं। कल भी हमने पढ़ा था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के द्वारा भी एक वैक्सीन बनाई जा रही है। यहाँ पर चाइना में वुहान में भी एडिनो वायरस से रिलेटेड जो ट्रायल्स हैं वो किए जा रहे हैं। तो ये थी आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।